आज उसने कैसे अपने आसनों में परफेक्शन लाया है आप वो देखिएगा। एंड आप सभी से विशेष अनुरोध है कि इस प्रैक्टिस का आप सभी लोग किसी योगिक प्रैक्टिशनर के अंदर ही सुपरविजन में ही अभ्यास करें, अन्यथा ना। ये अभी सिर्फ आप लोगों को अनुभव करने के लिए है। देखें योग की एक अनुपम आयाम, एक अनुपम प्रक्रिया। आइए आप सभी लोगों को इस परफॉर्मेंस से कराते हैं और एंजॉय करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शेख शकील अंसार फाउंडर ऑफ अरुणी हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं आज पूरा विश्व कोविड-19 से लड़ रहा है और इससे हमारा भारत भी छूटा नहीं है। और अनुभूति योग जो है इस योग के जरिए पूरे विश्व को एक संदेश दे रहा है। अनुभूति योग के जरिए कोविड-19 से लड़ने का माध्यम बनाए और हम लोग इस अभियान को आगे चलाते हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि योग करें और कोविड-19 से फाइट करें। हम लोग लॉकडाउन के पहले ही दिन से इसको कार्यक्रम को अभियान को चला रहे हैं। हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से डेली लोगों को योग के बारे में जागरूक किया और लगभग 20 से 25 स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट, कॉलेज के टीचर्स, स्टाफ और तमाम लोग अलग अलग संस्थाओं के हमसे जुड़े और हमारे योग का फायदा उठाया। और आइए अब एक धमाकेदार अपने जो योग के कलाकार हैं, योग के टीचर हैं, उनकी परफॉर्मेंस पेश करते हैं जो कि ब्यूट है। प्लीज इसका आप अनुभव कीजिए और सपोर्ट कीजिए।
धीरे धीरे सामने की ओर
और होल्ड करेंगे चेहरे पे एक स्माइल रखेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे और अपने दोनों हाथों को नीचे की ओर रखेंगे। अब हम अपने स्टैंडिंग योगासन शुरू करेंगे। हमारा सबसे पहला आसन है ताड़ासन। अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं, उंगलियों को इंटरलॉक करें, सामने की ओर ले जाएं, सांस भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं और धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाएं और होल्ड करें। धीरे धीरे हाथों को सामने की ओर लाते हुए एड़ियों को नीचे की ओर रखते हुए वापस आएंगे और हाथों को नीचे रखेंगे। अब हम वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन के लिए अपने दाहिने पैर को उठाएं, अपने बाएं थाइस पर रख लें और दोनों हाथों को धीरे धीरे परस्पर ऊपर की ओर मिलाते हुए रख। धीरे धीरे वापस, यही प्रक्रिया बाएं पैर से भी करेंगे। बाएं पैर को उठाएं, दाएं तरफ रखें और धीरे धीरे हाथों को हथेलियों से मिलाकर ऊपर और धीरे धीरे वापस विश्राम। अब हम पादहस्तासन करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, धीरे धीरे सांस भरते हुए और लोअर बैक से झुकते हुए नीचे की ओर झुक जाएं और अपने दोनों हाथों को पैरों के साइड में। धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए वापस आएंगे और साइड से अपने हाथों को नीचे रखेंगे। अब हम अर्ध चक्रासन करेंगे। अपने दोनों हाथों को कमर पर इस तरीके से रख लें, सांस भरें और अपनी कमर को लोअर बैक से पीछे की ओर झुकाएं। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं और अपने हाथों को नीचे रखें। अब हम त्रिकोण आसन करेंगे। त्रिकोण आसन के लिए अपने पैरों में 3 से 4 फीट का गैप रखें। दोनों हाथों की पोजीशन सामने की तरफ, हथेलियां सामने हो। दाएं पैर को बाहर की तरफ निकालें और दाएं हाथ से नीचे की ओर झुकें और अपने बाएं हाथ को देखने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अपने दाएं पैर को अंदर की तरफ लें और बाएं पैर को बाहर निकालें और धीरे धीरे बाएं तरफ झुक जाएं और अपने दाएं हाथ को देखने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अपने दोनों पैरों को परस्पर मिला लें। अब हम सिटिंग आसन करें, सिटिंग पोजेस करेंगे। सिटिंग पोजेस करने के लिए सभी लोग दंडासन में बैठ जाएं। हमारा सबसे पहला आसन है भद्रासन। भद्रासन के लिए सबसे पहले अपने दाएं पैर को अपने बाएं पैर के पास थाइस के पास लेकर आए। इसी तरह अपने बाएं पैर को भी दाएं पैर से मिलाएं और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके दोनों हाथों से पकड़ लें और अपनी चेस्ट को सीधा करें, कमर सीधा रखें और फोल्ड करें और चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान बनाएं। ये भद्रासन है। अपने दोनों पैरों को धीरे से सीधा करें। अब हम वज्रासन करेंगे। वज्रासन की पोजीशन ले लें। अपने दोनों पैरों को मोड़ें पीछे की तरफ, अपने घुटनों पर बैठ जाएं और एड़ियों पर बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ अपनी नीज पर रख लें। ये वज्रासन है। अब हम
हम अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। अर्ध उष्ट्रासन के लिए अपनी नीज में 1 से 2 इंच का गैप बनाएं, अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं, अपने दोनों हाथ पीछे अपने हिप्स पर रख लें सपोर्ट के लिए और सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुकें और धीरे धीरे वापस आ जाएं और अपने दोनों हाथ अपनी नीज पर रख लें। अब हम उष्ट्रासन करेंगे। अपना दायां हाथ पीछे की ओर ले जाएं, इसी तरह अपना बायां हाथ पीछे ले जाएं और अपनी एंकल पकड़ने की कोशिश करें। अगर आप अपनी एंकल ना पकड़ पाए तो आप अपनी कमर पर भी हाथ रख सकते हैं एंड होल्ड करें। धीरे धीरे वापस आए और अपने दोनों हाथों को नीज पर रखें। अब हम शशांक आसन करेंगे। अपने दोनों पैरों में गैप रखें, अपनी नीज अपनी हील्स पर बैठ जाएं, दोनों पंजों को मिलाकर रखें, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए पूरा आगे की तरफ झुक जाएं। उष्ट्रासन के बाद शशांक आसन इसका काउंटर पोज है जो अत्यंत आवश्यक है। धीरे धीरे वापस आए और इसी पोज में बैठे रहे। अब हम उत्तान मंडूक आसन करेंगे। अपने दाएं हाथ को उठाएं और पीछे से अपने बाएं शोल्डर पर रख दें। इसी तरह बाएं हाथ को उठाएं और अपने दाएं शोल्डर पर रख दें और अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ खींचे। ये उत्तान मंडूक आसन है। धीरे धीरे वापस आए और अपने दोनों हाथ नीज पर रख। अब हम लेटने वाले आसन करें। मकर आसन में लेट जाएं। मकर आसन एक विश्राम वाला आसन है। अपने दोनों हाथ आगे परस्पर रख लें, अपना फोरहेड अपने दोनों हाथों पे रखें, पंजे बाहर की तरफ रखें और अपने पैरों में 3 से 4 फीट का गैप। अब हम भुजंग आसन करेंगे। अपने दोनों पैरों को मिला लें, अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के पास साइड में रख लें, सांस भरते हुए ऊपर की ओर लिफ्ट करें, अपनी दृष्टि ऊपर की ओर रखें और धीरे धीरे वापस नीचे की ओर आ जाएं। अपनी चिन फ्लोर पर लगाकर रखें। अब हम शलभासन करें। अपने दोनों हाथ अपनी थाइस के नीचे रख लें, हथेलियां ऊपर की ओर रहे और आपकी चिन फ्लोर पर लगी रहे और सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को मैक्सिमम ऊपर उठाने की कोशिश करें। ये शलभासन है। धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे की ओर ले आए और टर्न लेकर कमर के बल लेट जाए। अब हम सेतु बंद आसन करेंगे। अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें और दोनों हाथों से अपनी एंकल को पकड़ने की कोशिश करें। सांस भरते हुए अपनी कमर को ऊपर की ओर लिफ्ट करने की कोशिश करें। सांस भरे अपनी कमर ऊपर की ओर उठाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाएं। अपने दोनों पैर धीरे से सीधा कर लें। अब हम उत्तान पादासन करें। दोनों पैरों को परस्पर मिला लें, अपने पंजे बाहर की तरफ खींच के रखें, अपने दोनों हाथ साइड में रखें, सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को 60 डिग्री तक उठाएं और होल्ड करें। अपने पंजे बाहर की तरफ खींच के रखें
की ओर अपने पैरों को ले आए। अब हम अर्धहलासन करेंगे। अपने पैरों को मिलाकर नहीं रखें, पंजे अंदर की तरफ खींच के रखें और अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर 90 डिग्री पर लिफ्ट करें। सांस भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री पे लिफ्ट करें। ये अर्धहलासन है। पंजों को बाहर की तरफ खींचते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर ले आए। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें और अपने हाथों को इंटरलॉक करके अपने दोनों घुटनों को परस्पर पकड़ लें। सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को अपनी चेस्ट के पास मैक्सिमम लेकर आएं। सांस छोड़ते हुए गर्दन उठाएं और अपनी नाक को दोनों घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करें। ये पवन मुक्त आसन है। धीरे धीरे वापस आ जाएं, अपने दोनों पैरों को सीधा करें। अब हम शवासन करेंगे। अपने दोनों पैरों में 3 से 4 फीट का गैप रखें। अपनी दोनों हथेलियां आकाश की ओर अर्ध खुली हुई रखें और विश्राम करें। सभी आसनों के बाद विश्राम अत्यंत आवश्यक है। धीरे धीरे सांस लेते रहें और धीरे धीरे सांस छोड़ते रहें। अपने शरीर के प्रति सजग होते हुए टर्न लेकर आराम से बैठ जाएं। जिस भी आसन में आप आराम महसूस करते हैं, सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन, आप बैठ जाएं और हम प्राणायाम की प्रक्रिया शुरू करें। अपने दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बना लीजिए और अपने दोनों घुटनों पर रख लें। आंखें बंद रख लें। सबसे पहले हम कपालभाति करें। कपालभाति के लिए एक लंबा गहरा सांस भरें। सांस को छोड़ते हुए प्रेशर से अपने पेट को अंदर की ओर करें। इस तरीके से हम कपालभाति के 10 राउंड करें। कपालभाति आपकी पाचन क्रिया में भी सहायक है। कपालभाति के बाद हम अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम की पोजीशन ले लें। अपने दाएं हाथ से अपना दाया अंगूठा अपनी दाएं नासिका पर रखें और अपनी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को बाएं नासिका पर रखें। एंड इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट नोस्ट्रल, एक्सहेल फ्रॉम योर राइट नोस्ट्रल। बाएं नोस्ट्रल से सांस लें, दाएं से छोड़ दें। दोबारा दाएं नोस्ट्रल से सांस लें और बाएं नोस्ट्रल से छोड़ दें। एक राउंड और करेंगे। बाएं नासिका से सांस लें, दाएं नासिका से सांस को छोड़ दें। अगेन दाएं नासिका से सांस लें और बाएं नोस्ट्रल से छोड़ दें। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में वापस ले आए। अब हम शीतली प्राणायाम करें। शीतली प्राणायाम करने के लिए अपनी टंग को, अपनी जीवा को थोड़ा सा बाहर निकालें। बाहर की साइड रोल करके एक ट्यूब का आकार दें और धीरे से सांस भरते हुए अपने लंग्स में हवा भरते हुए सांस लें। अपने माउथ को बंद कर लें और अपने दोनों नोस्ट्रल से सांस को छोड़ दें। ये शीतली प्राणायाम। दोनों हाथों को वापस से ज्ञान मुद्रा में ले आए और अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए पोजीशन ले लें। अपने दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद कर लें और अपने उंगलियों से अपने आंखों को भी बंद कर लें और हम सांस लेते हुए हम एक साउंड करेंगे।
नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने शेख शक्ति अंसार। मैं आज आपको अपने कार्यकाल पिछले कुछ सालों का कार्यकाल बताना चाहता हूँ। पिछले कुछ सालों में हमने योग के जरिए लोगों को जागरूक किया है और हमारा अनुभूति योग एक ट्रीटमेंट ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर योग कक्षाएं, हिजामा, सुजोग, जितने भी हमारे ऑल्टरनेट थेरेपी हैं वो चलाई जाती है और हमारे कोर्सेस में लोग बहुत सालों से आ रहे हैं। हम जो है युवा के लिए प्रतिबद्ध हैं, यहाँ युवा आ रहे हैं और हमारे पास से कोर्स कर रहे हैं और हमारे युवा देश में नहीं बल्कि विदेशों में जाके हमारे अनुभूति का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारी भारतीय सभ्यता का नाम रोशन कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को योग करवा रहे हैं। और हमारा एक विजन है, फ्यूचर प्लान है कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां लोग दवाइयों से दूर रहें और योग के जरिए अपनी बीमारियों का समाधान करें। करें योग की अनुभूति, सदाहरण निरोगी। आइए अब आपके सामने एक हमारा ग्रुप परफॉर्मेंस पेश हो रहा है, बहुत डायनेमिक है, धमाकेदार है, उसको आप सपोर्ट करें। थैंक यू। Thank you.
को आपने देखा, हमने हर तरीके का जो एक जर्मन व्यक्ति भी अभ्यास कर सके उसको भी हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, और जो अच्छे एडवांस लेवल पर प्रैक्टिस कर सके उनके लिए भी हमने प्रस्तुत किया, और एक मॉडरेट लेवल पर जो चाहते हैं कि अपने आप को स्वस्थ रखें और अपनी बॉडी को भी फ्लेक्सिबल रखें उसके लिए भी हमने प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और हम सभी लोगों से आशा करते हैं कि इन प्रस्तुति को आप आगे देखें और खुद अभ्यास करने का प्रयत्न करें। इस पूरे आयोजन में मैं सभी के लिए बहुत ही बहुत हार्दिक धन्यवाद प्रकट करती हूँ। आई वुड लाइक टू स्पेशल थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स एंड पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन अस ऑनलाइन। अनुभूति योग हर साल इंटरनेशनल योगा डे बहुत ही जोर शोर से सेलिब्रेट करता रहा है, और इस बार भी जब इतनी कोविड-19 की वजह से इतनी पैनिक सिचुएशन थी तब भी हमने ऑनलाइन इसको बहुत ही बड़े स्केल पर आयोजित करने का प्रयत्न किया, जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे स्कूल्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगी। हमारे साथ स्कूल की सीरीज में अरवाचीन भारती भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल, दयानंद मॉडल स्कूल, न्यू ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल विवेक विहार, सेंट लॉरेंस स्कूल, लवली पब्लिक स्कूल, साई मेमोरियल स्कूल, क्वींस मैरी स्कूल, अमन पब्लिक स्कूल एंड अमन जेके कॉलेज ऑफ एजुकेशन गाजियाबाद, इन सभी स्कूल से हमारे पास टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। हम लोगों ने 3 दिन उन लोगों को पूरा प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस भी दी, जिसमें हमने पूरा ये प्रोटोकॉल उनको फॉलो कराया, और स्वस्थ रहने के लिए जो भी आवश्यक आसन प्राणायाम है उनका अभ्यास कराया। इसके साथ साथ काफी सारे इंडिविजुअल लेवल पे भी टीचर्स ने अलग अलग स्कूल से हमें ज्वाइन किया, काफी सारे ADMC के स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, नेशनल विक्टर स्कूल, DAV रोहिणी, KV स्कूल, इन सभी से भी कुछ इंडिविजुअल टीचर्स ने हम लोगों को ज्वाइन किया। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने हमें मोरल सपोर्ट दिया और हर तरीके से हमारे साथ खड़े हुए, और जिसमें प्रगति परिवार अपने आप में हजारों कंपनी और ब्रांड का जुड़ा रूप है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन, RWA विवेक विहार, RWA महिला भी विवेक विहार, उत्सव समिति, ICICI बैंक विवेक विहार, अनुव्रत समिति, वाष्णी कल्याणकारी सभा ईस्ट दिल्ली, अक्रूर जी वेलफेयर ट्रस्ट, वाष्णी युवा संगठन अलीगढ़, लॉयंस क्लब वेस्ट, लॉयंस क्लब गाजियाबाद, लॉयंस क्लब बंगाली मार्केट, रोटरी क्लब मयूर विहार, रोटरी क्लब गाजियाबाद, राजस्थानी अकेडमी, जैनिक्स फाउंडेशन, श्री हरे कृष्णा फाउंडेशन, एक प्रयास फाउंडेशन, CKG ग्रुप ऑफ कंपनीज, GPC ग्रुप, नवज्योति सेवा समिति, भारतीय मानव कल्याण परिषद, भीमसेन बंगाली स्वीट्स हाउस, सतमोला ग्रुप, travelizy.com, शगुन स्वीट्स, एंड आप लोगों ने जो देखा होगा हमारे बच्चे जो मास्क लगाए हुए थे वो हमें स्पॉन्सर किए हुए थे, रति राम राम विनोद साड़ी हाउस विकास नाम। हम लोगों ने पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंस को एंड मास्क जो भी हमारे प्रिवेंटिव मेजरमेंट है उनको फॉलो करते हुए ही इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, एंड इन सभी ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल्स को थैंक्स कहने के साथ साथ मैं उन सपोर्टेड मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो हमारा यह प्रोग्राम कवरेज करेंगे अपने अपने चैनल्स पर एंड अपने अपने न्यूज पेपर पर, जिनमें से आज तक TV9, ETV, News18 उर्दू, Delhi News 7, Navdrishti टाइम्स, दैनिक जागरण, NS मीडिया ग्रुप, Delhi News Live एंड लोकतंत्र की बुनियाद। आपको जैसे ही इन चैनल्स का हमें पता चलेगा कि किस टाइम हमारे पास ये टेलीकास्ट होंगे आप लोगों को हम इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि अभी हमने ये किसी को भी डायरेक्ट नहीं बुलाया हुआ था ड्यू टू कोविड-19, तो सभी को हम ये क्लिपिंग देंगे और वो आप लोगों के पास देखने के लिए पहुंचेगी। मैं आप सभी लोगों को भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ
जिन जिन लोगों ने हमें यह इस प्रोग्राम को देखा, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस योग की फीलिंग को आप लोग अपने थ्रू स्प्रेड कीजिए। ये फेसबुक पर जो लाइव चल रहा है सेशन, इसको आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम को देख सकें और जान सकें कि हम लोगों के लिए योग करना कितना जरूरी है। योग को हमें अपनी दैनिक क्रिया में इंक्लूड करना चाहिए। जैसे हम डेली ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, अपने आप की क्लींजिंग करते हैं, उसी तरीके से हमें इंटरनल क्लींजिंग योग के थ्रू करनी चाहिए। अगर आप सभी लोग प्रतिदिन इस योग का अभ्यास करते हैं तो अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया सभी लोग प्रतिदिन योग का अभ्यास जरूर करें। अनुभूति योग भी प्रतिदिन ऑनलाइन योगा क्लासेस दे रहे हैं। कोई भी लोग अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। हमारे पूरे दिन में 5 to 6 बैचेस चल रहे हैं। आप किसी भी बैच को अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको लगता है आपके कोई फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव जिनको इन क्लासेस की नीड है, तो प्लीज उनको ये शेयर कीजिए। और सिर्फ मेरा यही एक अभिनंदन यही है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस न्यूज को, इस प्रोग्राम को स्प्रेड कीजिए अपनी तरफ से। जो जो लोग जो अभी लाइक नहीं हुए हैं, बाद में इसको देखेंगे, वो भी इसको देखने के साथ साथ आगे शेयर करें, क्योंकि इसमें भी आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा कि आपके थ्रू हो सकता है हजारों लोग स्वस्थ होने की राह में पहुंचे। तो अगेन सभी के लिए, उन सभी स्कूल्स के लिए, स्कूल्स के मैन इंचार्ज प्रिंसिपल सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभूति योग हमेशा उन सभी के लिए इस कृतज्ञता का भाव रहेगा कि वो हमेशा इन फ्यूचर में भी हमारे साथ बने रहेंगे सभी लोग, और हमें इसी तरीके से सहयोग करते रहेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं अपने बैकहेंड पर जितने लोग भी इस प्रोग्राम का आयोजन करने में हमें सहयोग कर रहे थे, उनके लिए भी मैं स्पेशली थैंक दूंगी। पूरी अनुभूति टीम को, हमारे सारे स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने इस परफॉर्मेंस को सिर्फ टू डेज में परफॉर्मेंस को तैयार किया था, क्योंकि सभी को आना जाना और इस टाइम जितना हम डिस्टेंस मेंटेन करें उसी को ही हमारे लिए बेटर था, इसीलिए सिर्फ बच्चों ने 2 दिन में इस परफॉर्मेंस को तैयार किया है। तो उन बच्चों के लिए भी मैं स्पेशली रियल थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी मेहनत को रंग लाया है। एंड हमारे बैकहेंड पे हमारे सोशल मीडिया देखने वाले हमारे अंकुश चावला जी को मैं थैंक यू बोलूंगी, जिन्होंने हमारा यह प्रोग्राम पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करने में हमें हेल्प करी। तो अनुभूति योग आप सभी के लिए धन्यवाद प्रकट करता है, और इस प्रोग्राम का समापन करने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी लोग अपने अपनी जगह पर या तो बैठ जाएं या खड़े होकर 3 times गायत्री मंत्र का जाप करें। उनके प्रति धन्यवाद का भाव रखें।
इसके बाद अपने माता पिता के प्रति धन्यवाद का भाव रखें, जिसकी वजह से आपको यह शरीर प्रदान हुआ। अपने गुरु के प्रति धन्यवाद का भाव रखें, जिन्होंने हमें हर प्रकार का ज्ञान दिया। और सबसे प्रमुख, सबसे अहम, अपने आप को धन्यवाद का भाव रखें, जिसकी वजह से आज आप यहाँ हैं। ऐसी कृतज्ञता की भावना के साथ दोनों हाथों को रख कीजिएगा और अपनी आंखों पर रख दीजिएगा। धीरे 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 अपनी आंखों को खोल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिएगा। थैंक यू। सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोग प्लीज अपने आप को डेली थैंक यू जरूर बोला करें, क्योंकि इस भाग दौड़ की दुनिया में हम अपने आप को भूलते चले आ रहे हैं और खोते चले आ रहे हैं। तो अपने को याद रखिए, जैसे हमें कोई थैंक यू बोलता है हमें अच्छा लगता है, हम भी अपने शरीर को थैंक यू बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। तो आप सभी के सामने यह अनुभूति परिवार पूरा प्रणाम, पूरी तरीके से धन्यवाद का भाव रखता है। आप सभी व्यूअर्स, आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक बार और मैं आपको इंटरनेशनल योगा डे की बधाई देना चाहता हूँ, और आज फादर्स डे भी है, तो फादर्स डे की बहुत बहुत अनुभूतियों की तरफ से शुभकामनाएं। करें योग की अनुभूति सदा रहे योग की।